सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चाएं हो रही हैं कि विवियन डिसेना की एक्स वाइफ वेबिस को शो में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं BB18 मेकर्स। बिग बॉस के मेकर्स चाहते हैं कि वेबिस शो में आए और विवियन के साथ एक ही छत के नीचे रहे। विवियन की एक्स वाइफ को शो में लाने के लिए हमने सुना है कि उन्हें मेकर्स की ओर से मोटा अमाउंट भी ऑफर कर दिया गया है। हालांकि वेबिस ये साफ साफ कह चुकी हैं कि इस सीजन वो इस शो का हिस्सा नहीं बनेंगी। वेल, आपको बता दें कि जब वेबिस और विवियन का रिश्ता टूटा था तो वेबिस डिप्रेशन में चली गई थी। सालों तक वेबिस अपने घर से बाहर तक नहीं निकली थी। जबकि बात अगर विवियन की करें तो विवियन ने तलाक के बाद ही अपनी पत्नी नौरन अली को डेट करना शुरू कर दिया था। अभी विवियन और वेबिस का तलाक हुआ नहीं था कि विवियन ने नौरन के साथ जोड़ लिया था रिश्ता। अभी वेबिस और विवियन का तलाक कोर्ट में चल ही रहा था कि विवियन ने जोड़ लिया था नौरन से रिश्ता। फैंस को बता दें कि विवियन की एक्स वाइफ ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि मैं अपने तलाक के बाद इतना टूट गई थी कि 2 से 3 साल तक मैं डिप्रेशन में रही। मैं घर से बाहर तक नहीं जाती थी। मैंने अपने आप को घर के अंदर कैद कर लिया था। मीडिया मेरे बारे में तरह तरह की बातें लिख रही थी। मेरी इमेज को काफी खराब कर दिया था। जैसे तैसे मैं डिप्रेशन से बाहर आई। मैंने घर से बाहर जाना शुरू किया और हिम्मत जुटाई। तब मेरे पिता ने मुझसे कहा कि तुम क्यों चुप हो, तुम्हें भी अपनी साइड ऑफ स्टोरी सबको बतानी चाहिए। वेबिस ने इंटरव्यू में खुलासा किया था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे समाज का सामना करना है। ये सब दिमाग में रख मैंने अपनी साइड ऑफ स्टोरी लोगों को बताना शुरू की। वेल, विवियन तो अब सलमान के शो बिग बॉस 18 में नजर आ रहे हैं। क्या वेबिस भी इस शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेंगी? क्या वेबिस अपने उस बुरे दौर को दोबारा जिएंगी? क्या होगा बिग बॉस के घर में विवियन और वेबिस का आमना सामना? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।